जगत प्रिय करो करुणा अवतारो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर करे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये श्री अंतरद्वीप श्रीमन महाप्रभु का ये जन्मस्थान है। कहते जो जन्मस्थान है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया ये नवद्वीप धाम कैसे हैं। कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यव धाम सहवदय। जब इसी जगत में श्रीमन महाप्रभु आते हैं वो अकेले नहीं आते, पूरा के पूरा धाम को अपने आप पूरा धाम को यहाँ पर उतार देते हैं, अपना परिकरों को साथ में आते हैं। इसलिए ये जो स्थान है कहते इसका नाम अंतरद्वीप बताया। और नव विद्या भक्ति में ये स्थान कहते आत्मनिवेदन है। जैसे नौ जो नवद्वीप ये एक तो नव विद्या भक्ति की प्रतीक है और दूसरा है ये नवद्वीप धाम नहीं बल्कि ये राधा रानी अपना हृदय से ये नवद्वीप धाम को कृष्ण के लिए उन्होंने प्रकटित किया है। जैसे श्रीमती राधा रानी का हृदय अत्यंत अत्यंत कोमल है इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। जैसे राधा रानी का हृदय अत्यंत अत्यंत कोमल है जीवों का दुखों को देख करके राधा रानी के नेत्र से हर समय आंसू बरसित होता है, आंसू बहती हैं ये जीव का कल्याण कैसे हो। इसलिए ये धाम भी अभिन्न श्री राधा रानी के हृदय से ये प्रकट हुई ये श्री नवद्वीप धाम है। इसलिए ये कहती इसको उदाहरण दिया जो स्थान जैसे एक कमल का जैसे फूल है जैसे का जो कर्णिकार और उसमें 8 पखुड़ियाँ हैं उसी तरह ये जो नवद्वीप धाम ये अंतरद्वीप ये एक कमल फूल जैसे हैं और ये जो स्थान है ये कर्णिकार ये बीज है ये गोकुल है क्योंकि वही कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में यहाँ पर प्रकटित हुए हैं। ये अभीर्ण गोकुल है ये श्री नवद्वीप धाम है। इसलिए ये स्थान जो नव विद्या भक्ति में ये कौन सा कहते ये आत्मनिवेदन, एक तो साधारण रूप में आत्मनिवेदन कृष्ण के चरण में करनी चाहिए लेकिन वास्तविक रूप में आत्मनिवेदन क्या है, ये वास्तविक रूप में आत्मनिवेदन क्या है कि जिस समय कृष्ण इसी जगत में आए और इनके हृदय में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण किया है। लेकिन कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए एक दिन निकुंज में बैठी बैठी करके सोच रहे हैं मेरे मन में जितने अभिलाषा थी सारे अभिलाष को मैंने पूर्ण की है, मैं स्वयं रस स्वरूप होकर के भी अखिल रसामृत मृत्यु होते हुए भी मैं स्वयं रस वैसे रसम झेवायाम लब्ध्वानंद भवती, मैं साक्षात रस स्वरूप होते हुए भी भक्तों का प्रेम में इतने मैंने वसीभूत हो गया सखाओं को मैंने झूठन खाई मैया जसोदा मेरे कान पकड़ करके उठाई और बैठाई और कभी अगर मैंने मखन चोरी की तो मैया ने पूछा लाला तेने मखन चोरी की, मैंने मैया के डर से मैंने ये भी बोल दिया मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने डर के मारे ये भी बताए मैं भगवान होते हुए भी इतने प्रेम में इनकी वसीभूत हो गया विश्व ब्रह्मांड को मैंने अपना माया में मैंने बांध करके रखा हूँ लेकिन मैया जसोदा प्रेम रूपी उखल में मेरे को बांध दी, मैं भगवान होते हुए भी रासों में हैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी मेरे को स्वीकार करना पड़ा नपार अहम निरबद्ध संजुजाम
हे गोपियाँ, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी रीणी को से मैं मुक्त हो ही नहीं सकता हूँ। जहाँ पर राधा रानी मान करने पर जिनके चरण में स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव मुदारम बोल करके मैं स्वयं अपना सर को मैंने झुका दी, लेकिन ये सारे चीज तो मैंने की है, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आया। बोले वो क्या है? बोले राधाया प्रणय महिमा की दृशा, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, और मैं जो सुंदरता में इतने सुंदर हूँ, मैं स्वयं जिन्हें अपना सुंदर को देख करके कृष्ण स्वयं कहते अपर कलित पूर्वम कश्च मात करकारी, कदी इतना सुंदर रूप है कौन? मैं स्वयं राधा रानी की रूप लेकर के उसको आलिंगन में करना चाहता हूँ, हाँ इतने में सुंदर हूँ, और राधा रानी मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करती हैं। इनके अंदर में जो दिव्य उन्माद, जो चित्र जल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प, वो जो दिव्य भाव श्री राधा रानी में प्रकाशित होता है, वो चीज क्या चीज है मैं समझ नहीं पाया। हरे कृष्ण, हाँ मैंने ये चीज मैंने समझ नहीं पाया, अभी ये चीज को मैं समझ कैसे पाऊं? इसलिए उन्होंने देखा प्रेम का आश्रय राधा रानी, मैं प्रेम का विषय मैं हूं, लेकिन मुझे जितना आनंद होता है, लेकिन राधा रानी को उससे करोड़ गुण ज्यादा आनंद होता है। अभी वो चीज को मैंने कैसे समझ पाऊं, जिसके लिए से स्वरूप दामोदर कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति अस्मात देकात्मना भूविपुरा देह भेदव गतव तो चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वय चैतमाप्तम राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए जब तक राधा रानी के भाव और अंग कांति को मैं नहीं लेता हूँ, तब तक ये प्रेम को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए स्वयं कृष्ण परात पर परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने क्या किया, जो आत्मनिवेदन मतलब किया है, जहाँ पर विश्व ब्रह्मांड जिनके चरण में आत्मनिवेदन करते हैं, कृष्ण स्वयं आत्मनिवेदन श्री किशोर जी के चरण में, श्री राधा जी के चरण में उन्होंने आत्मनिवेदन किया है। इसलिए जो आत्मनिवेदन का जो भक्ति है, यहाँ पर श्याम सुंदर श्री राधा जी के चरण में अपना आत्मनिवेदन किया, इसलिए यह स्थान का नाम श्री आत्मनिवेदन है। इसलिए यहीं पर ही श्रीमन महाप्रभु, आप लोगों ने श्रवण किया है, यहीं पर ही श्रीमन महाप्रभु जन्म ग्रहण यहीं पर किया है, जिस समय चंद्र ग्रहण हो रहा था, क्योंकि महाप्रभु आने का इस जगत में एक कारण है, जिस भागवत में बताया बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो किसको उपासना करेंगे? बोले कृष्ण वर्णम, जिनको जिह्वा में जो कृष्ण दो अक्षर हर समय जिसको जिह्वा में उच्चारण होता है, और जिसका शरीर का अंग कांति अकृष्ण, जो काले नहीं गौर हरि, और वो अकेले नहीं सांग पांग अस्त्र पार्षदम नित्यानंद अद्वैत, और अपना परिकरों को साथ में अवतीर्ण होंगे, और उनको उपासना कैसे करेंगे? बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण नाम रूपी कीर्तन को द्वारा उपासना करेंगे। इसलिए यहीं पर है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होकर के जो पृथ्वी ते आछे जत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मर नाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी था। इसलिए महाप्रभु संकीर्तन धर्म यहीं से ही शुरुआत किया। उदाहरण देते हैं, श्रीमन महाप्रभु एक स्कंध है, उससे दो टहनियां निकली, कौन? नित्यानंद और अद्वैताचार्य। उससे और भी कुछ टहनियां, कौन? स्वरूप दामोदर राय रामानंद। फिर उससे भी कुछ टहनियां निकली जिसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि हुए। उसमें और कुछ टहनियां निकली जिसमें श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए। उससे और कुछ टहनियां निकली जिसमें श्री बलदेव विद्याभूषण पर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए। लेकिन उससे और एक विशेष टहनियां निकली श्री भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन उससे भी और एक सुंदर टहनियां निकली जिसमें श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद आए हैं। कहते ये प्रभुपाद कौन है? बोले ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी, मानो राधा रानी की नयन मतलब आँख है, मंजरी मतलब नयन, मणि मंजरी मतलब उनकी राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है, इसलिए प्रभुपाद आए हैं।
इसी से और एक सुंदर टहनिया निकली जिसमें श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हुए, लेकिन उसमें और एक सुंदर फूल आया है, वो कौन है? श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज हुए हैं। इसलिए वो ऐसे एक सुंदर इसमें फूल, जिसमें इतने सुंदर एक फूल खिला, जो महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे दिन आएगा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिसको कहते हैं काले और गोरे व्यक्ति एक साथ में एकत्रित होकर के बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, सब के सब एकत्रित होकर कीर्तन करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने पर ये सब लगता है ये भविष्यवाणी उनका सार्थकता हुआ है, और उसमें भी कुछ टहनिया निकले। बोले कौन? श्री भक्ति वेदांत श्रील परिव्राजक महाराज, तीर्थ महाराज, माधव महाराज, बन महाराज और सिद्धार्थ महाराज, श्रील परम श्री नरसिंह महाराज और श्री श्रौती महाराज और बहुत सारे टहनी, गोविंद महाराज, उसमें अनंत टहनिया महाराज, उसमें अनंत टहनिया निकली है। सचमुच से ये लोग, ये जो महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, सचमुच से ये सब के सब दुनिया में आकर के ऐसे वाणी प्रचार की, और ये परिक्रमा सचमुच से दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। हमारे परिक्रमा गुरुदेव की परिक्रमा, इतने गुरुदेव का इतने आशीर्वाद, गुरुदेव देवानंद गौड़ी मठ से निकले, लेकिन हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब पहला बार जब आ करके जब गुरुदेव परिक्रमा निकले, वहां से 4-5 गुण भक्त हुए, जिसको देख करके देवानंद गौड़ी मठ वाले बारे ये क्या है, हा? हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी हमारे जितने परिक्रमा हो रहे हमारे नवद्वीप परिक्रमा, सभी को पार्टी को अगर एक कर लोगे ना, लेकिन हमारे महाराज का पार्टी को अगर अलग करोगे, सबसे पहला हमारी भारी पाल महाप्रभु पाल के उठिए नीन पुजारी प्रभु महाप्रभु पाल के उठिए गाने चलून अखंड सवाई प्रसाद पे जाबेन আমাদের গেটে থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে যেতে হবে, এখানে ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউট মাঠে, ওখানে প্রসাদ দেওয়া হবে, পালকি উঠান। হ্যাঁ, আমি হম লোক প্রসাদ পানে কে লিয়ে যাঙ্গে, সামনে যে মাঠ হ্যায়।